ग्राम पंचायत बरखेड़ा गोसी के दो पक्षों में 11 अक्टूबर को हुए आपसी विवाद को लेकर थाना मुरवास में समझौता पत्र दो शपथ पत्र दोनों ही पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें एक पक्षकार विनोद धाकड़ द्वारा बताया गया कि प्रेम सिंह धाकड़ ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसकी जमीन पर फसल बोई थी, जिसकी शिकायत उसने की थी। वहीं दूसरी ओर दूसरे पक्ष प्रेम सिंह धाकड़ की ओर से भी एक शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि विनोद धाकड़ आदि ने खेत पर आकर उसकी फसल को भरा और झूमा झटकी की। इस बीच उसे लगा कि महेश धाकड़ ने इनको भड़काया होगा, इसलिए यहां उनसे लड़ रहे हैं। आक्रोश में आकर शंका के आधार पर महेश धाकड़ आदि के नाम भी गलती से लिख दिए गए थे, जबकि यहां लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। प्रेम सिंह धाकड़ ने कहा कि हमारे रिश्तेदारों ने पंचों ने मिलकर हमारे आपसी विवाद को सुलझा दिया है और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न की जाए। नसीम हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। भाई क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह धाकड़। क्या हुआ था मामला आपका? सर हम भी जमीन में लड़ाई हो गई थी। कब हुई थी? 11 तारीख को। अच्छा। आपने निजी जमीन में भुट्टा कटे रखे थे, तो विनोद धाकड़, महेश धाकड़, नीलेश धाकड़, अन्ना सिंह गोलू, इन लोगों के नाम से हमने आवेदन दिया था थाने में। अच्छा। हम लोग आपसी विवाद हुआ तो बीच में बच्ची आ गई। कौन से थाने में दिया था? मुरवास थाने में। अच्छा, फिर विवाद? विवाद हमारा हो गया था बीच में। आवेदन ही दिया था? आवेदन ही दिया था। रिपोर्ट FIR तो नहीं हुई? एफ आई आर भी नहीं हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? रिश्तेदार ने आग बीच में समझौता का दिलाई ना मौका। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगा था कि इसमें महेश धाकड़ और ये लोग सभी थे क्या वहाँ? नहीं साहब, महेश धाकड़ नहीं थे, जो और लोग सभी थे। विवाद हुआ तो मारपीट भी हो गई थी, रंज में आन कर आवेदन दे दिया था। अच्छा अच्छा, रिश्तेदार ने राजीनामा होगा, सुधार होगा, उनसे दिक्कत ना होगी, हमें से कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कुछ आरोप भी लगाए थे कि किसी के कहने में बहकाने? हमने खुद रंजस से। आपके दिमाग में ये शंका आपको लगी होगी? शंका में आपने शक में कर दी। अच्छा अच्छा, शक के आधार पे आपने कर दी थी। तो ये लोग नहीं थे महेश वगैरह? नहीं, महेश नहीं थे। अच्छा अच्छा, तो अब आप कोई विवाद नहीं चाहते? कोई विवाद नहीं चाहते, हम लोग रिश्तेदार में सब समाज भाई ने ढेले करके राजीनामा। अच्छा अच्छा, तो विनोद की तरफ से भी राजीनामा दिया गया? आपका नाम विनोद है? मैं ग्राम बरकेड़ा गोसी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सरनाम विनोद धाकड़। तो क्या मामला था भैया? क्या मामला? कुछ नहीं था सर, मामला ये था कि मेरे खेत में मक्का की फसल लगाई थी मैंने, इन लोगों ने किसी के बहकावे में आकर हमारा झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा हो गया था तो मैंने थाने में आवेदन दे दिया था, तो ये लोग बाद में प्रेम सिंह धाकड़ जी आए मुरवास थाना। अच्छा, आपने भी आवेदन दे दिया, इन्होंने भी आवेदन दे दिया। फिर बाद में कि हमारा चलता रहा 11 तारीख की बात है ये, फिर बाद में आकर हमारे समाज के रिश्तेदार वगैरह और हम सब पांच लोगों ने मिलकर बैठ करके समझौता कर दिया, तो इसका निकाल हो गया और हम दोनों में राजीनामा हो गया, इसी कारण हम आपको खड़े हुए हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको इनसे? अब कोई शिकायत नहीं है, अब इनने कह दिया। और आपको इनसे नहीं है? आपने कोई लिखा पढ़ी करी है? सर, आपके मुरवास थाना क्षेत्र में एक मामला बरखेड़ा घोसी का आया था, जो मारपीट का था, जिसमें फसल भर के ले जाना वगैरह बताया गया था, तो क्या मामला था? क्या है, 11 तारीख को एक प्रेम सिंह करके प्रेम सिंह वो विनोद में दोनों में वन विभाग की भूमि पर जो भुट्टे वगैरह बोए थे, उस पर से उनका विवाद थोड़ा हुआ था, जिस पर से दोनों पक्ष ने आवेदन दिया था, इसकी मेरे द्वारा जांच की गई है और बीचों कुछ उनके झूमालामी टाइप की हुई थी। सर, कल उनका आना हुआ और उन लोगों ने बताया कि हमने आवेदन दिया है, हमारा राजीनामा हो गया पंचों के बीच में बैठ के, तो उन्होंने शपथ पत्र भी दिए हैं, क्या मामला? एक्चुअली क्या है कि इन दोनों का राजीनामा तो जो हुआ हो गया है,